हवा की तरह होती है मुसीबतें, हवा की तरह होती है मुसीबतें, चाहे तुम कितना भी खिड़की बंद कर लो वो अंदर आ ही जाते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्णा यसुंडी, स्वागत है आप सबका एक नए छोटा फास्ट टैग मंडे मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आज की कहानी एक छोटे से लड़के की कहानी है जो 4 से 5 साल का उम्र है उसका, जिसे छोटे छोटे डॉगीज जो पप्पीज जो होते हैं उसे बहुत पसंद है। वो बहुत दिनों से उसके मम्मी पापा से पूछ रहा था कि पापा मुझे छोटा सा पप्पी ला करके दे दीजिए, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ, ये वो बहुत कुछ कह रहा था। पर उसके पापा ने कहा कि अरे ये क्या पप्पी वप्पी बोल रहा है, तो जाओ पहले पढ़ाई करो तुम, जाओ। तो उसके बाद रूम में चला गया लड़का और सोच रहा है कि अभी करे तो क्या करे, मुझे तो पप्पी चाहिए ही चाहिए। तो उसने सोचा कि अरे मेरे पास तो वो किडी बैंक है, उसको तो अपन तोड़ के देखें कितने पैसे हैं उसमें। तो उसको तोड़ा, उसमें गिना, उसमें 1000 रुपये मिले थे उसको। तो उसने सोचा कि चलो 1000 रुपये तो मिल गए, अभी इससे तो अच्छा पप्पी आ जाएगा। ये सोचकर 1000 रुपये लेकर उसके घर के पास में एक छोटा सा पप्पी का शॉप है तो वहाँ पर पहुँच गया था। जाकर शॉप के भाई साहब से पूछा कि अंकल मुझे एक छोटा सा पप्पी चाहिए, मैं ख़रीदना चाहता हूँ। हाँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मेरे पास 1000 रुपये है, जो भी 1000 रुपये में जितना भी अच्छा वाला पप्पी मिलेगा तो मुझे दे दीजिए। तो शॉप वाले ने कहा कि बेटा यहाँ पर 1000 रुपये में कुछ होगा नहीं, वैसे भी तुम जाओ घर जाओ, आपके मम्मी पापा को लेके आओ, उसके हिसाब से आप देख लीजिए, क्योंकि 1000 रुपये में तो पप्पी आने वाला नहीं है, यहाँ पर 15,000-20,000 के अच्छे अच्छे ब्रीड के हैं यहाँ पर, तुम जाओ घर जाओ, घर जाके मम्मी और पापा को लेके आओ। तो लड़के ने कहा कि नहीं नहीं अंकल, मुझे बस 1000 रुपये है मेरे पास, 1000 रुपये में जो पप्पी मिलाएगा वो पप्पी दे दीजिए। तो शॉपकीपर ने कहा कि नहीं बेटा, तुम शायद समझ नहीं रहे हो, 1000 रुपये में पप्पी नहीं आएगा। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है अंकल, पहले मुझे पप्पीज तो दिखाइए। तो शॉप वाले ने सोचा कि ठीक है, छोटा बच्चा पूछ रहा है तो दिखाई देंगे। तो ले गया था अंदर, जैसे केज खोला तो उसके अंदर से छोटे छोटे पप्पी जो है वो भागते हुए बाहर आए थे। बाहर आया और देखा तो उसमें एक छोटा सा पप्पी जो था थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। तो ये देखकर उस लड़के ने पूछा कि अंकल ये पप्पी क्यों ऐसा चल रहा है। तो भाई साहब ने कहा कि नहीं, उसका रिसेंटली एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसमें थोड़ा उसका पैर जो है वहाँ पर टूट गया है, तो लंगड़ा हो गया है वो। तो लड़के ने कहा कि तो अंकल मुझे वही पप्पी चाहिए मुझे। तो शॉपर ने कहा कि अरे बेटा, उसका तुम करोगे क्या, वो तो ज़िंदगी भर लंगड़ा ही रहेगा, उसके साथ तुम खेल भी नहीं पाओगे, क्या करोगे उसके साथ, तो कुछ कर भी नहीं पाओगे, तुम्हें मज़ा भी नहीं आएगा उसको लेके जाओगे। तो एक काम करो, तुम घर जाओ अपने मम्मी पापा के, लाओ दूसरा कोई पप्पी लो, उसके साथ ये पप्पी फ्री में लेके चले जाना अगर चाहिए तो तुम्हें। तो उसने कहा कि नहीं अंकल, आप समझ नहीं रहे, मुझे मुझे वही पप्पी चाहिए, 1000 रुपये ले लीजिए, और बाकी जो पप्पीज हैं जितने में आप बेचते हैं उतना ही इसका भी प्राइस लीजिए, मैं मेरे पापा से बात करूँगा, जो भी होगा जितने भी पैसे होंगे मैं आपको दिलवा के रहूँगा, पर ये पप्पी मुझे चाहिए, दे दीजिए। तो शॉपर ने कहा कि देखो बेटा, शायद तुम ठीक से नहीं देख पा रहे हो, वो लंगड़ा है, वो ज़िंदगी भर ऐसा ही चलेगा, ठीक से देखो एक बार। तो बच्चे ने कहा कि शायद आप ठीक से देख नहीं पा रहे, एक बार बाहर आइए। तो जैसे बाहर आया तो उस लड़के ने उसके पैंट को थोड़ा सा ऊपर किया, ये देखकर शॉप वाला शॉक हो गया था, क्योंकि इस बच्चे के पैर में भी एक आर्टिफिशियल लेग फिक्स हुआ था। तो बच्चे ने कहा कि अंकल मेरा भी एक एक्सीडेंट में मेरा पैर जो है कट गया था, जब मेरे पापा ये आर्टिफिशियल लेग मेरे लिए बनवा रहे थे, फिक्स करवा रहे थे, उन्होंने एक बात कहा था, देखो बेटा इस आर्टिफिशियल लेग को देख के तुम खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझना, तुम पहले भी ताकतवर थे, ताकतवर हो और हमेशा ताकतवर रहोगे। तो अंकल आप ही बताइए, जब मैं खुद को ही कमज़ोर नहीं समझता हूँ तो इस पप्पी को क्यों, जिस तरह मुझे ये फीलिंग आया था, ये सपोर्ट मिला था, ठीक उसी तरह वही सपोर्ट वही फीलिंग मैं इस पप्पी को भी दिलाना चाहता हूँ और उसके साथ खेलना चाहता हूँ ज़िंदगी भर में। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, इंसान बाहर की चुनौतियों से नहीं अंदर की कमजोरियों से हारता है, इसीलिए अपने आप को हमेशा कमज़ोर मत समझिए। जिंदगी में अगर हमारे अंदर कोई भी खोट, मतलब कोई भी फॉल्ट हो, तो उसके बारे में सोचते हुए खुद को कभी भी
पूछे, क्या आपने पूरी कोशिश की वो काम पूरी करने के लिए? पढ़ाई अगर मन से करी होती, पूरी लगन से की होती, तो शायद ही आप पास हो जाते। जॉब भी, जो कुछ भी आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वो पूरा करते तो शायद ही आप वो काम अच्छे से कर पाते और प्रमोशन भी मिल जाता। और बिजनेस, बिजनेस में आने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए उसके लिए बैकग्राउंड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरे एफर्ट्स जो है, क्या आपने लगाए थे? जितना एफर्ट्स हम लगाते हैं उतने ही रिजल्ट हमें मिलती है ज़िंदगी में। तो इसलिए जो भी काम आप करेंगे, अपनी पूरी एफर्ट्स जो कुछ भी है उसमें लगाइए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव चलाएगी। और मिलते हैं अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर।